दोस्तों, मैं स्टडी विद कलीम से हूँ। जी कलीम दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मोबाइल खो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे तो मोबाइल चोरी होने पे मिलना मुश्किल ही है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे हम अपना मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे, और गूगल में ओपन करने के बाद लिखेंगे गूगल डैशबोर्ड। गूगल डैशबोर्ड में लिखने के बाद ये सबसे पहले वाला ऑप्शन आएगा आपको। ये जो गूगल डैशबोर्ड लिखा है, बस इस पे क्लिक करना है। आपका ईमेल आईडी अगर इसमें ओपन हुआ रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो देख लिया जाएगा। तो इसमें देखिए, मेरा दिखा रहा है कि मैंने जीमेल पे ये 3474 कन्वर्सन है, मैप वन रिव्यू है, सर्च एक्टिविटी ऑन है, इसमें सब सारा दिखाएगा। यहाँ पे मेरा अकाउंट दिखा रहा है एडसेंस का, ये अलर्ट, बुक्स, ब्लॉगर, ये कॉन्टैक्ट, जीमेल, गूगल प्ले स्टोर, ड्राइव, ये सारा दिखा रहा है कि ये चीज़ है। आपका फ़ोटो 43 है, पेमेंट वन, पेमेंट प्रोफाइल है, सर्च कंसोल है, और डिवाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये लोकेशन हिस्ट्री, तो सब आपको लोकेशन हिस्ट्री पे जाना है। लोकेशन हिस्ट्री आपको दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको न्यू टैब में आना है और लिखना है डिवाइस, गूगल डिवाइस फाइंड। या आपको लिखना है फाइंड माई डिवाइस, आप लिखेंगे फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई डिवाइस करके ये ओपन होगा। ओपन होने देना है। ओपन जब हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा है फाइंड माई डिवाइस गूगल, बस इसी पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे और याद रहे, जब मोबाइल खो जाए तो तुरंत उसके बाद आपको पता चले तो तुरंत आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो ये अभी लोकेशन ओपन हो रहा है, अभी यह लोकेशन पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, देखिए अब हो रहा है। तो देखिए अभी यह दिखा रहा है कि मेरा मोबाइल ये हरा वाला है, बस यहीं पे अभी दिखा रहा है। और इसमें आप ये देख लीजिए कि ये सेट दिखा रहा है और लास्ट सीन दिखा रहा है, और मेरा ये दिखाइए दिखा भी रहा है कि 79% मोबाइल चार्ज है। अब आइए कुछ इससे जूम करने के बाद आपको वहाँ पे जा सकते हैं, जो एड्रेस पे है मोबाइल, बस वहाँ पे ये जाएगा धीरे धीरे। आप धीरे धीरे जूम करते रहेंगे तो ये दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं ऐसे करके। आप जूम करेंगे तो एकदम यह एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर जाएगा, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ये मोबाइल में करते हैं फाइंड माई डिवाइस, मैं एक उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो तुरंत दिखाएगा कि डायरेक्शन या मैप, तो आप उस पर डायरेक्शन पे जा करके उसका एग्जैक्ट लोकेशन दे करके अपना लोकेशन देंगे और आप ड्राइविंग करते हुए चले जाएंगे। और चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। आपको अगर इरेज करना है डिवाइस, जो भी डिवाइस में है, आप चाहते हैं कि अब ये मोबाइल मेरा मिल नहीं पाएगा, तो आप इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो इरेज डिवाइस के लिए आपको इसमें क्लिक करना है, उसके बाद तो वो डिलीट हो जाएगा। कुछ आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा जो उसमें मोबाइल में रहेगा, और पासवर्ड आप उसमें देंगे तो इरेज हो जाएगा। आपको लॉक करना है मोबाइल को कि मेरा मोबाइल लॉक नहीं है और मोबाइल खो गया है। तो आप यहाँ से जा करके यहाँ पे भी जाएंगे और इसको जब ओपन करेंगे तो आपको ये दिखाएगा, बोलेगा कि आप पासवर्ड और फ़ोन नंबर दीजिए, तो यहाँ से आपका वो लॉक हो जाएगा, लॉक कर सकते हैं। और तीसरा इसका ये खूबी है कि आप अगर एग्जैक्ट एड्रेस पे चले जाते हैं, एड्रेस दिखाएगा आपको वहाँ पे जाना है, और जब वहाँ पे आपको लगे कि मैं पास में हूँ, तो
तो आप यहाँ से जा करके ये प्ले साउंड कर सकते हैं। ये देखिए प्ले साउंड में साउंड को किया तो ये ऑटोमेटिक साउंड ऑन हो गया, आपको सुनाई दे रहा होगा। और इसको मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, स्टॉप हो गया। फिर से मैं चाहूँ कि साउंड को बजाऊँ तो फिर से मैं इस पे जा करके साउंड को बजा सकता हूँ। देखिए फिर से मेरा साउंड एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों ऐसे आप अपने मोबाइल को तुरंत ट्रेस कर सकते हैं। और मैं स्टॉप कर दिया, तो आपको अच्छा लगे तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।